Hey guys, welcome to 19th video of complete Kotlin series. And in this video, we will talk about inheritance in Kotlin. तो यार inheritance क्या होता है और हम inheritance कैसे करते हैं Kotlin में, देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो यार सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि inheritance होता क्या है। Inheriting the property of parent class into the child class, that is called inheritance. Simple definition ये है यार कि suppose करो आपके पास कोई एक class है और आपके उस क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, और आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हो और उस पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हो। तो जो भी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी ना, लाइक कोई भी मेथड था या वेरिएबल था, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट उस चाइल्ड क्लास के भी हो जाएंगे। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यार सपोज करो हमारे पास पहले एक फ़ोन रहता था, नोकिया का या सैमसंग का ले लो, जिसमें कैमरा नहीं रहती थी, सिर्फ उससे हम लोग कॉलिंग कर सकते थे और अलार्म वगैरह सेट कर सकते थे, सिंपल थे उसमें। उसके बाद स्मार्टफोन आया, तो स्मार्टफोन एक चाइल्ड माना जाएगा उस फ़ोन का, वो फ़ोन पेरेंट माना जाएगा जो पहले था। लेकिन जो कॉलिंग वाली फंक्शनैलिटी थी या अलार्म वाली फंक्शनैलिटी थी, वो सारे तो इसमें है। FM था पहले वाले फ़ोन में, तो वो सारे के सारे स्मार्टफोन में हैं। लेकिन स्मार्टफोन में और भी एक्स्ट्रा फीचर है, लाइक कैमरा है और वीडियो कॉल हो गया, या हम लोग वीडियोज़ देख सकते हैं मल्टीमीडिया टाइप का, इस तरह से भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास बनाया या एक चाइल्ड प्रोडक्ट बनाया, जो कि कुछ प्रॉपर्टी थी जो पेरेंट क्लास में थी, उसको हमने इनहेरिट कर लिया अपने चाइल्ड में। तो इस तरह से हम लोग फ़ोन का एग्जांपल देखेंगे सेट करके, और फिर समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है यार। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा फ़ोन क्लास, इस तरह से हम लोग बनाएंगे फ़ोन, और इसके अंदर दो प्रॉपर्टी डालेंगे यार, एक तो कॉलिंग का और एक तो अलार्म का। तो मेरे पास दो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, फंक्शन कॉल जो कि क्या करेगा, कॉलिंग करेगा ये। अब यार क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना करके, और इन दोनों मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो वेल फोन, और ये किस टाइप का भाई, फोन, और कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल करेंगे इसके मेथड को, पहले तो कॉल को कॉल करेंगे। अभी आप देख सकते हो हम लोग कॉल को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और फोन डॉट अलार्म को भी कॉल करेंगे। यार यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलिंग और अलार्म रिंगिंग ऐसा प्रिंट हो गया है। इसका मतलब कि कॉलिंग का फीचर है इसके अंदर, अलार्म का फीचर है इस फ़ोन वाले क्लास के अंदर। अब इसको इनहेरिट करके हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ स्मार्टफोन नाम से, और इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। सबसे पहले तो ये अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे कोलन लगाएंगे, और जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है ना, उस क्लास को इस तरह से हम लोग लिख देंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस भी क्लास को, जो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होने वाला है ना, उस क्लास को हमें ओपन करना है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में हर क्लास फाइनल होता है। तो हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। हम लोग आगे देखेंगे फाइनल वगैरह क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये समझेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में हर क्लास फाइनल होता है, और हमें उस जिस भी क्लास को इनहेरिट करवाना है किसी चाइल्ड क्लास में, तो पेरेंट क्लास को हमें ओपन बनाना पड़ेगा इस तरह से, ओपन कीवर्ड को यूज करके। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, और अब क्या हो गया, यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर इस फ़ोन की सारी क्वालिटी आ चुकी है, यानी कि कॉलिंग और अलार्म इससे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, इन दोनों मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना करके। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और वेल और स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इस तरह से। और अब देखेंगे, अभी स्मार्टफोन में मैंने कोई भी मेथड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी अगर मैं कॉल करूँगा कॉल को या अलार्म को, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्मार्टफोन में अभी हमने कोई भी मेथड नहीं बनाया, लेकिन जो फ़ोन वाला मेथड था ना, वो स्मार्टफोन बहुत ईजिली यूज कर पा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इनहेरिटेंस इस तरह से काम करता है कि पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है, लाइक मेथड हो गया या वेरिएबल हो गया, वो सारे एक्सेसिबल होते हैं किसमें, बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास में। तो अभी मैंने कॉल या अलार्म नाम का कोई भी मेथड मैंने स्मार्टफोन में नहीं बनाया, लेकिन हाँ, इस फ़ोन को एक्सटेंड करने पर इसकी जो दोनों मेथड थे कॉल और अलार्म, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल हो गए स्मार्टफोन क्लास में। अब हम लोग इसमें और भी कुछ मेथड अपना बना सकते हैं, लाइक कैमरे का बना सकते हैं फन कैमरा, और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ना स्मार्टफोन के पास अब चार मेथड हो जाएंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। स्मार्टफोन डॉट कैमरा,
smartphone.youtube इस तरह से। लेकिन अभी क्या है ना, फोन को हमने एक्सटेंड किया है स्मार्टफोन में, तो स्मार्टफोन के पास चार मेथड हो गए टोटल, क्योंकि दो मेथड फोन के पास थे और दो मेथड स्मार्टफोन में हमने क्रिएट किए हैं। लेकिन अभी भी फोन के पास दो ही मेथड होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर पेरेंट को चाइल्ड में इनहेरिटेंस करेंगे, इनहेरिट करेंगे, तो पेरेंट वाले सारे मेथड चाइल्ड के लिए तो हो जाएंगे एक्सेसिबल, लेकिन पेरेंट में जो चाइल्ड में जो मेथड है वो पेरेंट के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे, कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर चेक भी करना चाहोगे ना, जैसे फोन डॉट, अगर मैं अलार्म करूँगा अलार्म आएगा, और फोन डॉट कॉल हो सकता है, लेकिन फोन डॉट यूट्यूब कभी नहीं हो सकता। आप देखोगे यहाँ पे एरर आएगा, आईडी एरर दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं यार। इनहेरिटेंस का सिंपल सिंपल ये पर्पज होता है कि हम लोगों के पास अगर कोई एक क्लास ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं और हमें बार बार वो मेथड ना बनाना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी मेथड को यूज करने के लिए उसकी क्लास को हम अपने चाइल्ड क्लास में जिसमें हमें यूज करना है उसमें हम इनहेरिट कर लेते हैं पेरेंट क्लास को, और फिर बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। और जब भी हमें इनहेरिट करना होता है तो पेरेंट क्लास को इस तरह से हम ओपन करते हैं, ओपन कीवर्ड को यूज करके और ऑब्जेक्ट बना करके, फिर जितने भी मेथड जो भी मेथड होते हैं हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यार इनहेरिटेंस के ऊपर अभी और भी वीडियो बनाया जाएगा, जैसे कि इसके कौन से प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कुछ और भी विजिबिलिटी टाइप के होते हैं, लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं, तो उन सब पे भी देखेंगे हम लोग। लेकिन आज के इस वीडियो में इनहेरिटेंस के लिए इतना ही यार। अगर आपको इनहेरिटेंस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।